प्लीज जल्दी करो ना, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। रूपाली उठाओ। जल्दी करो रूपाली। चलो बैठो। संपत की मौत के बाद आज तुम पूरी तरह आजाद हो गई हो। अब हमारे मिलने में, हमारे प्यार में कोई बंदिश नहीं, कोई रुकावट नहीं। मिकी, मिकी, ये सच है कि अब मैं आजाद हूं, लेकिन कल जब लोग मुझे पूछेंगे कि मेरा पति कहां है, मैं क्या जवाब दूंगी? तुम भी कमाल करती हो रूपाली, लोग तुमसे क्यों पूछेंगे? और वैसे भी संपत अपने काम के सिलसिले में कई कई महीने घर से बाहर रहता था, बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा। और अगर किसी को उसकी लाश मिल गई तो? लाश, लाश का मिलना नामुमकिन है। कुछ दिनों में बदन का मांस गल जाएगा और रह जाएगा हड्डियों का ढांचा। कोई पहचान नहीं पाएगा कि मरने वाला कौन था। मैं पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा। देखो देखो, ये सारा डर, ये सारा खौफ निकाल दो अपने मन से। संपत्ति के बारे में मत सोचो, सोचो अपने बारे में, मेरे बारे में, पर हमारे प्यार के बारे में। Come in, sir. Come in, please. Sir, sir, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया और आप अभी तक ऑफिस में? इंस्पेक्टर अजय, नेशनल हाईवे पर एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ है, जिसमें दो तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग जख्मी हो गए। सर, लेकिन इसमें मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां बुलाया गया है कि इस हादसे की वजह है एक घोस्ट। लोगों ने सड़क पर एक भूत देखा है। भूत? यू मीन टू से सर घोस्ट? हाँ इंस्पेक्टर अजय, घोस्ट। लोगों ने कीचड़ से लिपटा हुआ एक घोस्ट देखा, जिसे सड़क से गुजरता देखकर लोगों का स्टेरिंग पर से काबू हट गया। गाड़ियां आपस में टकरा गईं, दो तीन लोगों की मौत हो गई है
कुछ लोग जख्मी हो गए। सर ये तो बहुत अजीब सी बात है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आप वहां जाइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए कि व्हाट्स द मैटर। राइट सर। बराबर दिया वो। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर यही है वो ड्राइवर जिसके अचानक ब्रेक मारने की वजह से ये सब हादसा हुआ। कितने साल से ट्रक चला रहे हो तुम? 20-25 साल हो गए साहब। 20-25 साल हो गए और अब तक तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हाईवे पर अचानक ब्रेक नहीं लगाया जाता है? कैंसिल कर उसका लाइसेंस। ऐसा मत कीजिए साहब, मैं जानता हूँ स्पीड से गड्डी हो तो अचानक ब्रेक नहीं मारते। लेकिन साहब मैं डर गया था। डर गया था क्या मतलब? साहब कोई भूत प्रेत था जो मेरे गड्डी के सामने आ गया। मैं तो होश ही उड़ गए साहब। पहली बार ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ साहब। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? दारू तो नहीं पी रखी तुमने? रब्दी साहब जो देखा तो बोला। सरदार कभी झूठ नहीं बोलता था। हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक। तुम्हें भी। अब हमारे बीच कोई नहीं। ज्यादा रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जल्दी से तैयार हो जाओ, डिस्पेंसरी का वक्त हो रहा है। ना सुनो, तुम संपत का भी ऐसे ख्याल रखती थी? प्लीज निकी, बार बार उसका नाम लेकर मुझे उसकी याद मत दिला। न जाने से छुटकारा पाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की है। Okay. I am sorry. थोड़ा मुस्कुरा दो यार, थोड़ा सा। मैं जाऊं तैयार होने? ये क्या है? पैरों के निशान? कल रात को बरसात हुई ना, बस कीचड़ में कोई नंगे पैर आ गया होगा। और ये क्या है? यहाँ गली में रात को बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हीं में से किसी एक की शरारत होगी। आप, मैं भी साफ कर देती हूँ। ये लो, साफ हो। कमाल का मोहल्ला तुम्हारा। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय।
सर वो गड्ढा देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बड़ी जल्दबाजी में खोदा गया। उसी गड्ढे के पास मुझे गाड़ी के टायर के निशान दिखाई दिए और साथ ही एक औरत के सैंडल के निशान और एक आदमी के जूतों के निशान। सर अब रही बात उस घोस्ट की जिसकी वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसके भी जूतों के निशान मिले जो कि कीचड़ में लिपटे हुए थे और वो निशान उसी गड्ढे से शुरू हुए थे। तुम्हारे हाथ में क्या है? सर उसी गड्ढे के पास से मुझे ये कीचड़ में सनी हुई चादर मिली। और हाँ सर, इसी चादर के पास मुझे ये सोने की चेन और लॉकेट भी मिला। अरे ये सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। एक मर्द और एक औरत रात को गाड़ी में आते हैं, गड्ढा खोदते हैं और लाश को गड्ढे में दफन कर देते हैं। उसका सबूत है ये चादर जो तुम अभी अभी लेकर आए हो। अब वही लाश गड्ढे में से निकलकर सड़क पर आती है, वो लोगों को डराती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। ऐसे लगता है कि आने वाले कल में कोई खतरनाक खेल होने वाला है। पूरा इलाका छान लेने के बाद कहीं भी कीचड़ से सना हुआ भूत नजर नहीं आया और कोई भी इंसान इतना पागल नहीं हो सकता कि अपने आप को सर से लेकर पांव तक कीचड़ में लपेट कर भूत बनने का नाटक करे। जिस हिसाब से उस भूत ने सड़क क्रॉस की है, कोई भी गाड़ी उसे ठोक सकती है। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं और वो वहां से गायब हो। यकीनन, एक काम करो, ये चेन और चादर एक्सपर्ट के पास भेजो। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगला कदम डिसाइड करें। मर गया।
उसके जिस्म पर चाकू से लगे अनगिनत घाव हैं। मरने वाले के हाथों में ये बांह और उसके नाखूनों में ये खून पाया गया। मैंने सैंपल ले लिए हैं, मैं इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज रही हूं। और हाँ सर, वहां पे एक औरत है, शायद उसी ने फोन करके पुलिस को खून की इत्तला दी होगी। वो फोन के पास ही बेहोश पाई गई, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन उसे होश में आने में शायद चंद घंटे लग सकते हैं। सर ये मैं लैब में भेज दूं? या प्लीज। थैंक्स। इंस्पेक्टर। यस डॉक्टर। ये जल्दी लैब में भेज देना। ओके। डॉक्टर मिकी का कत्ल करने के बाद कातिल ने उन्हीं के खून से यह लिखा है। अजय तुम्हें काम करो, आसपास के लोगों से पता चलाओ कि डॉक्टर मिकी की फैमिली में और कौन कौन है, और जो औरत इस घर में बेहोशी की हालत में पाई गई उससे उनका क्या रिश्ता है। राइट। डॉक्टर निगम, ऐसा लगता है कि कातिल ने ही मिकी खाना के खून से यह सब कुछ लिखा है। आप ब्लड सैंपल्स ले लीजिए। यस सर। मिस्टर मात्रे। यस सर। आप भी फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, शायद को क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर, औरत कहां है जो इस घर में बेहोश पाई गई? वहां है, अब तक बेहोश है। माचिस है भाई, है ना साहब? हेलो, तू मेरे लग जे नजरिया। बीड़ी दे क्या साहब? नहीं भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता। खेल रहे हो? खेलो। ये बताओ तुम इस सोसाइटी में कब से काम कर रहे हो? 6 महीना से साहब। फिर तो तुम सामने वाले डॉक्टर साहब को जरूर जानते हो। कैसे हैं वो? अरे हैं कहाँ साहब, डॉक्टर साहब थे, आजकल तो पुलिस रहने लगी है उनके घर पे। सुना है कोई पीछे के दरवाजे से उनको मार के निकल गया है। फिर तो तुमने उसे जरूर देखा होगा, क्योंकि पिछला दरवाजा यहाँ से साफ दिखाई देता है ना? अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, अब जो कोई के माथे पे थोड़ी लिखा रहता है साहब कि वो उसने कत्ल किया है।
और सबके चेहरे हम थोड़ी पहचानते हैं साहब। खैर मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कैसे आदमी हैं। पुलिस वाले हो क्या साहब? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अखबार में काम करता हूँ, लिखता हूँ। दरअसल डॉक्टर साहब ने आज मिलने का वक्त दिया था, तुम मिल गए तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लो। अरे साहब अब जो रहो नहीं हो के बारे में भूल के का फायदा। अरे भाई मैं तो यही पूछ रहा था कि अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो, और अब वैसे भी डॉक्टर साहब तो रहे नहीं तो उनके बारे में छाप कर भी क्या फायदा। एक बात बताएं साहब, जो डॉक्टर साहब थे ना मुझे यहाँ औरतें बहुत आती थी, और दूसरी बात जे साहब की उनकी जो बीवी है ना उनका उनके साथ में तलाक हो गया साहब, अब जो जैसो रहे वो के संगे तो वैसे ही हुई है ना साहब। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। थैंक यू साहब। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ माखनलाल साहब। माखनलाल, यार मेरा काम करोगे तुम? डॉक्टर साहब के घर में जो लोग भी आया जाया करते थे अगर वो तुम्हें इस सोसाइटी में या आसपास दिखाई दें तो मुझे फोन कर देना। एक मिनट मैं नंबर देता हूं तुम्हें, नंबर ये लिखा पेन पेपर। फोन करना है साहब? हम आपको फोन करेंगे ना साहब, ये 9820499। हाँ ओके सर, थैंक यू। बड़ी नहीं 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 पीते आप? अरे दो दो न धरियो कजरिया, अरे तुम्हारे लगे नजरिया। रिलैक्स रिलैक्स, पानी लो, ले लो। माफ कीजिए आपका नाम? जी मैं एसीपी विजय हूं, क्राइम ब्रांच। आपने अपना नाम नहीं बताया। रूपाली। रूपाली जी मैं इस हालत में भी आपसे पूछना चाहूंगा आप कौन हैं और आपका डॉक्टर मिकी खाना से क्या रिश्ता है? जी मैं डॉक्टर साहब की पेशेंट। पेशेंट? माफ कीजिएगा रूपाली जी, कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर से मिलने उसके बेडरूम से उसके बाथरूम में नहीं जाता। नहीं वो क्या वो कि और दूसरा जब आप इस घर में आए हैं घर के बाहर का दरवाजा खुला था या बंद था? वो खुला था। मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी कि मेरा डॉक्टर के पास आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहां चली आई। मैंने दरवाजा खुला था, मैं अंदर आई, मैंने देखा आप कोई था नहीं। मैंने हाँ मैंने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब ही नहीं आया। तब मैं बहुत हैरान हुई और उसके बाद फिर मैंने बेडरूम में झांका, मैंने देखा कि बाव पानी बेडरूम के बाहर बह रहा था। मैंने सोचा कि वो मेन डॉक्टर साहब ने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया है, इसीलिए मैं बाथरूम में गई। मैंने देखा वो
मैंने देखा कि डॉक्टर सब मरे पड़े हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कुछ बात नहीं कर सकती। मैं घर जाना चाहती हूँ। एक मिनट, आप अपना एड्रेस इस पे लिख दीजिए। ये लीजिए। जाना चाहे तो जा सकते हैं। थैंक यू। वर्ष 60 मारवे रोड। अरे मखनलाल। हाँ साहब। उस औरत को जानते हो तुम? अरे साहब, अरे ये डॉक्टर साहब के मरने के बाद उनके मकान में क्या कर रही साहब? एक बात बताएं साहब, ये जो औरत है ना साहब, साहब ये बहुत आती थी डॉक्टर साहब के यहाँ पे। शुक्रिया मखनलाल। अरे दो दोन धरियो गगरिया, तुम्हारे लग जे है नजरिया। Thank you.
कंट्रोल रूम चलो। घबराइए नहीं, मैं इंस्पेक्टर अजय हूं, मुंबई क्राइम ब्रांच से। टेक इट इजी। शुक्र कीजिए कि आप बच गई। वो जो कोई भी था मेरे ख्याल से आपके इस चाकू से जख्मी होकर भागा है। आइए आराम से, प्लीज बैठ जाइए। आप घबराइए नहीं, मुझे देखिए मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को फोन कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में आता है। वो इस चाकू और इस पर लगे खून की जांच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ पर आ गए, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। वो था कौन? पता नहीं, मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसने मेरा मुंह दबाया। हाँ, ये जो चाकू मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, मैंने उस पर चला दिया। उसे लगा नहीं वो जख्मी भी हुआ। आप यहाँ इस घर में अकेली रहती हैं? जी नहीं, वो आई मीन टू से आर यू मैरिड? या आपके हस्बैंड कहाँ? जी वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। एक बात बताइए, आपका या डॉक्टर खन्ना का ऐसा कोई दुश्मन है जो उनकी जान ले सकता हो? ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके हस्बैंड का कत्ल होता है और आप पर भी जानलेवा हमला होता है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या इसका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक है? एनीवे, खैर आप ये तो बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मिस्टर संपत कनेरिया। मिस्टर संपत कनेरिया इस वक्त कहां होंगे? ये मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, कर आप ये तो बता सकती हैं कि उनकी कंपनी का नाम क्या है? हम खुद पता लगा लेंगे। हम अलोक होम अप्लायंसेस। आप प्लीज घबराइए नहीं, मैं देखता हूं प्लीज। कदम। यस सर। कदम एक काम करो, ये नाइफ और इस पर लगे खून के धब्बों को जांच के लिए भेज दो। हवलदार। ध्यान से इसे लैब में ले जाओ। और हाँ कदम, एक काम करो, तुम यहां इस घर पर ड्यूटी पर तैनात रहना। ध्यान रहे, इनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब। आप घबराइए नहीं, ये आपकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया था आपने अपना? रूपाली। गुड नाइट रूपाली। गुड नाइट। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर हूं। चलता है क्या?
परेशान लग रहे हो क्या? थोड़ी देर में दूर हो जाएगी, हमारा तो काम ही है परेशानी को दूर करना। सर, वो औरत रूपाली हमसे कुछ छुपा रही है। सर क्या छुपा रही है? सब कुछ छुपा रही है सर। क्या मतलब? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि उस औरत का कहना यह है कि उसका हस्बैंड बिजनेस टूर पर गया, जबकि मैंने उसके ऑफिस में पता लगाया तो पता यह चला कि वो तो छुट्टी पर है। और तो और सर, उसका यह कहना है कि डॉक्टर मिकी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए सर? अजय, किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे उसे? एक बात तो जाहिर है कि उसने डॉक्टर का मर्डर नहीं किया, उल्टा उस पर कातिलाना हमला हुआ। सर यही तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि उस औरत का मिकी के साथ जो रिश्ता है वो किसी तीसरे आदमी को पसंद नहीं। ये तीसरा आदमी कौन है? उसका हस्बैंड। क्योंकि उस औरत का कहना यह है कि उसका हस्बैंड ड्यूटी पर है, जबकि उसके स्टाफ का कहना यह है कि वो छुट्टी पर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें रूपाली के हस्बैंड पर नजर रखनी चाहिए। एक मिनट सर, आपका फोन। हेलो, एसीपी विजय है। हेलो विजय साहब, मैं डॉक्टर निगम बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, कहिए। सर मुझे आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। पहली बात, इंस्पेक्टर अजय ने मुझे खून से सना हुआ चाकू भेजा था। उस चाकू पर लगे हुए खून का सैंपल और एक खून के सैंपल से मैच करता है। किसका खून हुआ डॉक्टर? सर आज सुबह एक सेक्स वर्कर की लाश बरामद हुई है, उस लाश पर चाकू के अनगिनत वार है। सर मुझे लगता है कि वो चाकू ठीक वैसा ही है जैसा चाकू डॉक्टर खन्ना के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। सर और एक बात, जहां से वो लाश बरामद हुई थी वहां पे खून की कुछ बूंदे थी। उस खून का ब्लड ग्रुप उस चाकू के खून से मैच करता है जो इंस्पेक्टर अजय ने भेजा था। सर और एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जो खून का सैंपल मिला है वो उस खून के सैंपल से भी मैच करता है जो हमें डॉक्टर मिकी खन्ना के नाखूनों से मिला था। सर इसका मतलब दोनों केसेस में कातिल एक ही है। इस प्रोस्टिट्यूट का मर्डर कहाँ हुआ? सर वो चंदीपुर थाने का केस है। थैंक यू डॉक्टर निगम। चंदीपुर इंस्पेक्टर गोखले, मुझे सेक्स वर्कर के मर्डर के बारे में तफसील से बताइए। जी हाँ। सर ये ऑटो वाला एक सेक्स वर्कर बेला और उसके ग्राहक को लेकर एक प्राइवेट हाउस में ले गया, जहां पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसने बेला की चीखने की आवाज सुनी। दौड़कर वहां पर पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था, इसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा कि बेला की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी और कातिल मकान से फरार हो चुका था। तुम्हारा नाम क्या? विलास। विलास, वो आदमी तुम्हारे ऑटो रिक्शा में कितने बजे बैठा था? आया था तुम्हें? साहब ये कोई 11 बजे होंगे। सर ये तो वही वक्त है जब मैंने कंट्रोल रूम फोन किया था। अजय कातिल मुझे दिमागी तौर पर बीमार लगता है, तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके रूपाली को उसके घर से निकालकर किसी सेफ जगह पर पहुंचा। ओके सर। Woo!
आप रुकिए मैडम, मैं देखता हूं, आप हम जाइए। कदम, कदम,